हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं सिटी स्काईलाइन। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि ये हमने रोड तैयार किया, यहाँ पे जो लैंड है वो इतनी, ये जो हमने ऊपर बनाई ये इतनी, वो ऐसी नहीं थी, ये जो साइड साइड में देख रहे हो वैसे इतनी नीचे नीचे थी। तो हमने इस लैंड को पूरा यहाँ पे डेवलप कर लिया किया है, तो वो हमने पिछले एपिसोड में किया था। तो वो भी बनाना एक इंटरेस्टिंग काम था। तो वो अगर आपको देखना है कि ये मैंने लैंड एक्चुअली कैसे डेवलप की है इतने लेवल तक, तो वो मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। तो वो एपिसोड ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट में बताइए भी कि कैसे लगा आपको। तो चलो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल हमारे सिटी में पॉपुलेशन है 2065 और हम 562 रुपये प्लस में हैं और 14 लोग और भी अभी आ रहे हैं। तो मतलब हमारी सिटी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है, लोगों को फिलहाल कोई इश्यू नहीं लग रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं हमारे सिटी को। तो जिन्होंने ये मतलब पिछले एपिसोड देखा नहीं है उनको मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये देखो, ये हमारे सिटी का एंट्रेंस है। तो इस साइड में हमने पूरा रेजिडेंशियल जोन बनाया है और इस साइड में हमने पूरा इंडस्ट्रियल जोन बनाया है। और ये पहाड़ हमने देखो, ये पहाड़ है ना, ये भी हमने क्रिएट किया है, मतलब ये भी यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे भी ऐसे जो ये प्लेन आप देख रहे हो ज़मीन ऐसी ही थी, तो ये पहाड़ भी हमने क्रिएट किया है। तो वो पहाड़ हमने कैसे क्रिएट किया है वो अगर आपको देखना है तो इसके भी लिंक में, मतलब वो वीडियो के लिंक यहाँ पे दे दूंगा, वो भी जाकर आप ज़रूर देख। वो भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हमने ये पहाड़ मतलब इस लेवल से इतना ऊपर उठाया, यहाँ से ये रोड तैयार कर दिया। तो ये ज़रूर देख लीजिए आप जाके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम सिटी पहले चालू करते हैं, तब तो हमें पता चलेगा कि सिटी में अभी और क्या प्रॉब्लम है या नहीं। ओके व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, ओके गया नोटिफिकेशन, ठीक है चलो छोड़ दो। तो आज क्या करें आगे, अभी हमें क्या है फिलहाल यहाँ पे हमें रेजिडेंशियल जोन की डिमांड है। तो तीनों की थोड़ी थोड़ी डिमांड है, तो हम पहले रेजिडेंशियल जोन बनाते हैं, मतलब अलॉट कर दें। रास्ता तो हमने बना दिया है, सिर्फ अलॉट करना बाकी है। यहाँ पे तो अलॉट हमने ऑलरेडी कर दिए, तो फिर ये ग्रीन क्यों आ रहा है? ठीक है चलो, यहाँ पे तो क्लिक नहीं हो रहा है। ओके तो चलो हम यहाँ से यहाँ सीधा और ये कर देते हैं। ओके ठीक है चलो, ये हम पहले स्ट्रेट यहाँ से कर देते। और क्या इशू है किसी को? ठीक है, ये इनको क्या इशू आ रहा है? एक से नॉट इनफ वर्कर यार। ठीक है वर्कर तो अभी अभी आ गए, मतलब लोग हमारे यहाँ सिटी की लोग पॉपुलेशन अभी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। ठीक है जैसे आते हैं देखते हैं, एक बार एजुकेशन का देखते हैं क्या सीन है। ओके हाई स्कूल में थोड़ी कमतरता महसूस हो रही है, यहाँ पे कैपेसिटी 300 की है और थोड़े लोग ज़्यादा हैं। ओके सॉरी, एलिमेंट्री में, हाई स्कूल में तो कोई बात नहीं, हाई स्कूल में सब है। अरे हाई स्कूल में अभी तक, ये पिछली बार हमने सब हाई स्कूल एलिमेंट्री स्कूल अलॉट कर दिए थे, मतलब बनाए थे, पर अभी तक कोई हाई स्कूल पास नहीं हुआ है, अभी यूनिवर्सिटी में कोई आया ही नहीं है। ओके ठीक है, अभी हाई स्कूल ही कंप्लीट कर रही है। देखो एलिजिबल 175 लोग, तो एलिमेंट्री में 371 लोगों में से सिर्फ 177 लोग पास। ठीक है तो एलिमेंट्री में, एलिमेंट्री एक स्कूल और डालना पड़ेगा, एलिमेंट्री स्कूल हम यहाँ आगे डाल देते हैं यहाँ। ओके ये देखो यहाँ के लोग सब हैप्पी हो गए। तो जैसे जैसे लोग ज़्यादा पढ़ेंगे क्वालिफाई हो जाएंगे, वैसे कंपनी के लिए लोग आराम से मिलते जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे देखा, थोड़े मतलब कम हो गई है जो ये, इन कंपनियों को भी ज़रूरत थी तो इनके आई थिंक फिलअप हो गई, नीड कंप्लीट हो गई उनकी। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अभी क्या करें। अभी ये देखो यहाँ की भी ज़मीन वैसे ही नीचे, तो ये ज़मीन भी हमारे, हमको हमें इस लेवल पे लानी पड़ेगी।
तो हम क्या करते हैं, ये रास्ता हम डिलीट कर देते हैं। ओके, और यहाँ की लाइन भी हम थोड़ी ऊपर कर दें। कैसे हो रहा है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इस लेवल तक उनको ऊपर खींचना है इस जमीन को। थोड़ा बढ़ा के देखते हैं कितना फास्ट होता है या क्या होता है। ओके, अरे नहीं, ये तो बहुत ही पहाड़ हो गया, इतनी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये लेवल कर देंगे, इसकी कोई मतलब उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ये थोड़ा ऐसे ऊपर हो जाएगा, पर उसको हम भी फिलअप कर देंगे, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो पहले देखते हैं कि कैसा हुआ है। नहीं, यहाँ पे थोड़ी और लेवल करनी पड़ी। ओके ओके ओके, नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके, अब वो इसको लेवल कर। अरे यार नहीं, फिर ये नीचे जा रहा है। अब लेवल हो रही है। अरे एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इस बिल्डिंग को तो आग लग गई यार। ओके, तो फायर वगैरह हमारे सिटी में कुछ है कि नहीं? फायर डिपार्टमेंट? ओके, कहीं दिख नहीं रहा है, तो एक हमें फायर डिपार्टमेंट कहीं पे डालना होगा। ओके, यही पास में डालते हैं, क्योंकि क्या है, अगर कुछ हाईवे पे हो गया, यहाँ का फायदा भी था, अगर कुछ हाईवे पे हो गया मतलब कोई कार एक्सीडेंट, और वहाँ पे अगर कार चलने लगी तो यहाँ से ये जल्दी जा सकेंगे। और अगर ये इंडस्ट्रियल जोन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि इंडस्ट्रियल जोन में आग वगैरह लगेगी, फैक्ट्री में बहुत आग लग सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इधर से आराम से हो जाएंगे। और रेसिडेंशियल जोन में तो है ही यहाँ पे। ओके, इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है? गार्बेज। ओके, गार्बेज गार्बेज की क्यों प्रॉब्लम आ रही है? ओके, ये हमें, ओके, और ये हमें अभी एक्चुअली ऊपर ले जानी थी, ये रह गई थी, ये इसके साइड में लगा दी। ओके, तो यहाँ की ये जगह अभी पूरी, ये जगह भी पूरी खाली हो गई, तो यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल जोन अलॉट कर देते हैं। ओके, ये सॉरी रेसिडेंशियल जोन हो गया, सॉरी 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 सॉरी, रेसिडेंशियल जोन हो गया, पहले इसको ये कर देते। ओके, ये इंडस्ट्रियल जोन हो गया अभी, कि ये पहाड़ इसलिए बनाया था, आप पिछले एपिसोड में जाके ज़रूर देख लीजिए। ओके, तो गार्बेज का क्या सीन है देखते पहले। नहीं, लैंडफिल यूज ओनली 70% ही, तो लैंडफिल स्टोरेज तो बहुत है, लैंडफिल कैपेसिटी नहीं, बहुत ही है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी गार्बेज की। ठीक, तो इनको क्यों हो रहा है कुछ पता नहीं, वो अपने पाप ही सुलझ जाए। इनको इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं मिल रही भाई, इलेक्ट्रिसिटी का? ओके चलो ठीक है, एक यहाँ पे लगवा देते हैं विंड मिल। ओके, मिल गई इलेक्ट्रिसिटी, चलो खुश भाई। ये ज़मीन का लेवल करने का ना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत देर लगने वाली है, और उसमें इतना, क्योंकि ये देखो ये कितने नीचे ज़मीन है और हमने कितने ऊपर उठाए, ये अगर इतना बनाना है तो इसमें टाइम तो जाएगा ही, तो ये मैं बाद में बना लूँगा शायद। चलो अभी थोड़ा बहुत बनाया है वो बना देता हूँ। इससे रोड के ऊपर जा रही है यार, इतना ऊपर नहीं जाना।
ओके एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है फिलहाल तो ठीक लग रहा है, मतलब ऐसे ज़्यादा कोई मतलब ऐसे टेढ़ा वगैरह नहीं लग रहा है, तो अभी ये इधर की थोड़ी हम अभी आगे आगे करते हैं। नहीं, ये तो नीचे जा, इसको थोड़ा ऊपर ही उठाना पड़ेगा अभी। ये ज़्यादा ही कुछ हो गया ऊपर, ठीक है चलो कोई बात नहीं यहाँ पे। ओके ठीक है चलो फिलहाल तो इतना ही कर देते हैं, क्योंकि अभी आगे तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, जब जैसे सिटी हमारी आगे आगे बढ़ती जाएगी तब हम आगे का कर लेंगे। ओके तो अभी रोड बना के देखते हैं कि यहाँ से कैसे बनेगी, ये थोड़ा ऐसे ऊपर आ गया है ना, तो पहले हम रोड बना के देखते, रोड हम ना उसके हिसाब से बनेंगे तो वो ज़्यादा दिखने में ऐसा सुंदर लगेगा, ऐसा ऐसे उसको साइड साइड से लेके जाएंगे। ओके ठीक है तो ये थोड़ा यहाँ से नीचे करके ये हम थोड़ा लेवल कर देंगे, तो ऐसा अगर ये ऐसे मुड़ मुड़ के हमने रोड बनाए तो ये दिखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये ऐसे थोड़ा ये नदी किनारे जा रहा है तो कैसे व्यू बनता है, स्ट्रेट का स्ट्रेट बनाया तो इतना अच्छा नहीं लगता, इसको और थोड़ा हमें मुड़ मुड़ के बनाना पड़ेगा, ये इतना अच्छा नहीं है, पहले थोड़ा इसको और लेवल करते हैं। क्या हो गया है यहाँ का, बहुत ही थोड़ा इसको बाहर निकलना पड़ेगा तो ये दिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ से हम थोड़ा इसका कुछ ना कुछ आगे कर देंगे, पहले ये इतना ऐसा थोड़ा बाहर निकलते तो ये दिखने में ऐसे अच्छा लगेगा। ओके ये लेवल तो नहीं ना खराब हो गया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। ओके तो अभी हम यहाँ से उस रोड आगे बना, रोड को भी ना कुछ हो जाता है यार, या फिर इतना। ओके अब ठीक है, ओके तो ये रोड थोड़ा दिखने में ऐसा अच्छा लगेगा ऐसा, अब देखते कैसा लगता है हमारा। ओके यहाँ से देखो कैसा व्यू लग मतलब मिल रहा है लोगों को जाने के लिए, तो ये थोड़ा रोड अच्छा लगता है ऐसा, और यहाँ से थोड़ा नीचे गया है ये, बाद में लेवल इसके कर देंगे जब यहाँ की ज़रूरत पड़ेगी तो ये लेवल कर देंगे, फिलहाल लोगों के घूमने के लिए ये रोड रहने दो। तो हम क्या करते हैं यहाँ का जो थोड़ा मतलब ऊपर आया हुआ है इसको थोड़ा ऐसे नीचे कर, ओके तो ठीक है चलो अच्छा लग रहा है फिलहाल। तो मुझे एक मतलब आइडिया है कि क्या करें, ये अभी यहाँ पे ऐसे दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, और कैसा है ये पानी जाने मतलब बार बार अगर कंटिन्यू तो यहाँ से पानी जाता रहेगा, तो पानी जाने की वजह से अगर यहाँ की मिट्टी अगर ढल गई तो यार रोड भी ढलने की मतलब खतरा रह सकता है, तो इसके लिए मुझे एक ऐसा आइडिया आया था कि यहाँ पे एक ऐसे अगर इस साइड से मतलब थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा पर ठीक है खर्चे की कोई टेंशन नहीं, हमारे सिटी के पास बहुत पैसा है, तो यहाँ पे अगर एक हमने वॉल लगा दी मतलब वॉल बनाई यहाँ पे उस साइड से तो दिखने में भी अच्छे हो जाएगी और मतलब सिटी को भी मतलब सुरक्षा हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसे बार बार पानी जाने के अगर कभी पानी बढ़ भी गया तो ये क्या मिट्टी है ये तो आराम से ढल सकती है,
और ये दिखने में भी इतना अच्छा नहीं लगता है, टेढ़ा मेढ़ा लगता है। तो हम सोच रहे कि यहाँ पे कुछ वॉल बना सकते हैं क्या। ठीक है चलो ट्राई करते हैं। एक सेकेंड, तो इस पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इंडस्ट्रियल डिमांड की बहुत डिमांड आ गई इंडस्ट्री को, तो एक काम करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन बना देते हैं। और तो पहले क्या कैसे बनाया है, ओके से तो यहाँ से एक सीधा रास्ता बना दें। कि अभी हमें ये चालू करना पड़ेगा और यहाँ से सीधा ओके। तो ओके, तो ये हमने इंडस्ट्रियल जोन बना दिया है। चलो ये भी रास्ता आ गया, बना ही देते हैं क्योंकि आज ना कल लगने ही वाला है। ओके तो ये हमारा सिंपली ये बन गया यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे हमने अलॉट कर दिया। ओके तो देखिए हमारे सिटी में अभी बारिश होने चालू हो गई है, तो अभी हमारे मतलब रियल लाइफ में भी बारिश का ही मौसम है हमारे यहाँ, और सिटी में भी देखो हमारे यहाँ पे बारिश चालू। तो यहाँ से देखिए कि व्यू कितना अच्छा लग रहा है। अगर ये यहाँ पे अगर कोई आदमी रहता है मतलब जो रह रहा है उस, और ये यहाँ पे भी वो जो रह रहे हैं उनको देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ। तो ये नदी का थोड़ा पानी कम हो गया शायद, अभी बारिश शुरू हो गई है तो ये नदी को पानी भी बढ़ जाए, कि ऐसे पत्थर पत्थर ऊपर दिख रहे हैं। तो यहाँ से व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है सिटी का हमारे, एकदम बेहद बढ़िया सीन लग रहा है यहाँ से। ओके तो ये देखो यहाँ से हमारी सिटी कैसी दिखती है। ओके यार ये देखो ये किसका घर गिर गया, अभी फिर से बनना भी चालू हो गया और बन भी गया यार, बहुत तेज हो। तो चलो अभी हम क्या करते हैं आगे, कुछ देखते हैं क्या करते हैं। इनको इतना गार्बेज का क्यों प्रॉब्लम आ गया है, देखते हैं गार्बेज की क्या सिचुएशन है। गार्बेज का तो कोई मतलब लग नहीं रहा है ऐसा, 28% ही यूज हो रहा है। और लैंडफिल स्टोरेज ये क्या आ रहा है, लैंडफिल स्टोरेज है 45 लाख, और ये लैंडफिल कैपेसिटी तो 1 करोड़ 60 लाख की बता रही। तो क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ये एक्चुअली क्या हो रहा है। ओके ठीक है चलो देखते हैं, पर अभी कोई इशू नहीं है। ओके अभी भी है लोगों को, नहीं वो अपने आप हो गए। ओके शायद वो जो गार्बेज वाले जो मतलब एम्प्लॉय वो काम थोड़ा धीरे कर रहे हैं। ओके इनको पानी नहीं मिल रहा है, सॉरी इस पे नहीं पानी देना है ना उनको, कोई यहाँ से यहाँ एक पाइपलाइन डाल दे, और यहाँ से भी यार डाल ही देते हैं बाद में भी लगने ही वाली है आज ना। ओके इंडस्ट्री देखो कैसी है, इतना धुआं धुआं है और कितनी पोल्यूशन कर रही है, इसलिए हमने इसको साइड में लगा दिया। और ये देखो कमर्शियल, यहाँ पे आइसक्रीम की दुकान है और ये बर्गर की दुकान है, पॉप सोडा। अरे देख के तो मुझे भी भूख लगने लगी। ओके पर यहाँ पे खाना मतलब ये इतना ऑलरेडी यहाँ पे पोल्यूशन है। ओके ये इनको इलेक्ट्रिसिटी कम पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या सीन है नहीं, और भी एक यहाँ पे हमको विंड मिल लगानी पड़ेगी। तो कहाँ लगाए कहाँ लगाए कहाँ लगाए, यहाँ पे लगा देते। चलो अभी तो प्रॉब्लम ये देखो इनकी सॉर्ट आउट हो गई, ये गार्बेज का क्यों इशू आ रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करें, गार्बेज प्रोसेसिंग नहीं कुछ प्लांट। ओके वो भी एक डालना पड़ेगा क्या, गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है यहाँ पे। ओके तो क्या करें, ठीक है गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट एक लगा के देखते क्या होता है, शायद ये ओके ये कितना हो गया, ये 0
परसेंट है ओके, और ये 62% ही भरा हुआ है। तो एक्चुअली क्यों दिक्कत आ रही है, शायद ये वर्कर है वो थोड़ा काम धीरे कर रहे हैं, या ट्रक कम पड़ रहे हैं, क्या सीन क्या हो रहा है। ये तो काम तो मतलब फास्ट करते हुए दिख तो रहे, ये इसके ऊपर ग्रीन क्यों आ रहा है। ओके स्टॉप एम्प्टिंग, ओके ओके ओके, ये मतलब अभी तक बंद ही था। ओके हाँ, वहाँ से हमने इसको एम्प्टी करने के लिए रखा था ना, तो अभी तक वही चालू था। ओके ये देखो अभी ये भी चालू हो गया। तो ये देखो गार्बेज ट्रक 15, ओके 15 के 15 ट्रक यहाँ पे अभी चल रहे, और इसके भी 15 के 15 चल रहे। ओके तो ये बंद ही था शायद, इसलिए वो इतना प्रॉब्लम आ रहा। तो अभी ये देखो अभी ख़त्म हो गया प्रॉब्लम। देखो ये इनका हो जाएगा सब प्रॉब्लम, क्योंकि ये ट्रक अभी यहाँ से यहाँ आने में थोड़ा देर लगेगा, उसके बाद ये इनका भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो चलो हम क्या सोच रहे थे, यहाँ दीवार लगानी, तो दीवार यहाँ से मिल जाएगी। तो पहले देखते कैसे बना सकते हैं, ये क्या है, ये कौन सी दीवार है, ये लग सकती है क्या यहाँ पे। पहले ये दीवार कौन सी है वो देखते, कैसी दिखती है यहाँ पे, बना के देखते। ओके नहीं ये तो कुछ अलग ही आइटम है, नहीं, ये ऐसे जेल वगैरह के लिए वैसी दीवार, तो ये नहीं यहाँ पे अच्छी लगी। तो दूसरी कौन सी दीवार है, ये भी नहीं, यहाँ पे ये सब पेड़ वगैरह लगता है। ओके यहाँ पे क्या है, ये पत्थर वगैरह है सब। ओके यहाँ पे ऑप्शन ये पेड़ वाली दिखते हैं, यहाँ पे फिट होती है क्या, मेरा लगा बना सकते नहीं, ये ऐसे कैसे बनेगी यार, ये अच्छी नहीं लगी ऐसे कैसे। ठीक है थोड़ी बना के और देखते हैं यहाँ से क्या होता है। नहीं यहाँ से तो नहीं बन रही, ऐसे क्यों नहीं, यहाँ पे नहीं यार, इसके हिसाब से जानी चाहिए दीवार। कि यहाँ पे तो बन गई है फिलहाल, चल ठीक आगे के देखते कैसे। ओके यहाँ से ऐसे, पर यहाँ से अभी इसको ठीक है, दिखने में थोड़े मतलब अच्छी लग रही है ये, यहाँ की सब मिट्टी हटानी पड़ेगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, ऐसे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। पर ये से थोड़ी डिज़ाइन अलग हो रहा है इसका, मतलब ये रोड के हिसाब से नहीं जा रही। ठीक है चलो, नहीं तो बाद में हम रोड चेंज कर देंगे इसके हिसाब से, थोड़ा दिखने में कैसे अच्छी लगेगी इसके हिसाब से। ओके ठीक है चलो, ये इतनी तो बना ली हमने, ये इधर का बाद में देखेंगे कि कैसा है, ये अभी इस इधर का एरिया भी हमने खरीदा नहीं है, इतने तक ही हमारी बाउंड्री है, तो इसका हम बाद में देखेंगे। ये यहाँ में दिख, यहाँ दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ये यहाँ पे फिट ही नहीं बैठ रही, एक काम करते हैं यहाँ का थोड़ा लाइन चेंज करके देखते हैं। ओके यहाँ का कैसे करते हैं, अभी क्या करें यहाँ पे, ओके ये थोड़ा छोटा कर देंगे, क्या हो गया है, नहीं तो ये बहुत ही एरिया ज़्यादा ले रहा है। ओके इसको थोड़ा बड़ा कर, ओके ये देखो ये अभी मिट्टी है वो नीचे जा रही है, तो पूरी की पूरी वॉल दिखेगी, तो दिखने में अच्छा लगेगा, ये मिट्टी वगैरह कुछ नहीं दिखेगी, यहाँ की भी मिट्टी। चलो इसको भी कर देते थोड़ा, और यहाँ पे दीवार बना के देखते कि कैसा लगा। और ये पेड़ वाली मतलब थोड़ी दिखने में अच्छी लग रही है, नहीं ये ऐसे अंदर नहीं बना सकते, नहीं ये नीचे ही बन रही है। कि ये यहाँ पे भी नहीं आ रही,
ये क्या है, इधर की जमीन है वो तो नीचे, इसलिए वो दीवार भी नीचे ही बन रही है, दीवारों के सपोर्ट नहीं है। तो काम करते हैं, यहाँ की थोड़ी जमीन उठा के देखते हैं और ऊपर, तो शायद बात बन जाएगी। इधर के भी इसके लेवल की ले आते, ठीक नहीं इतने बात, ये तो एकदम बढ़ जाएगी। ओके अब देखते कि वो दीवार यहाँ पे थोड़ी बहुत सेट होती है, नहीं बाद में वो जमीन उसके हिसाब से लेवल अप कर दे। अरे यार अभी भी वो ऐसे ही आ रही, ठीक है यहाँ तक तो आ रही है ऊपर, अभी कहाँ तक जाएगी? नहीं यहाँ पे नहीं आ रही, यहाँ पे नीचे ही आ रही। इसको पहले बंद कर देते ताकि वो कहाँ भी सेटल हो सके। नहीं, ओके। अरे ये क्या फिर से बारिश हो गई? चलो बारिश का मौसम ही, तो बारिश तो आती जाती है। ओके अब मतलब ठीक लग रही है, मतलब जो पहले एकदम वो ऐसे नीचे जा रही थी यहाँ से, तो इतना तो ऊपर आ गई, तो ये आगे अभी देखते हैं क्या यहाँ पे लगा सकते हैं क्या और दीवार। नहीं यहाँ पे अभी नहीं बैठ रही है, यहाँ तक ही वो आ रही है। ओके तो यहाँ पे ज़मीन फिर से हमें थोड़ी ये करनी पड़ेगी, यहाँ पे उसको ज़मीन नहीं मिल रही है दीवार को। ओके चलो अब देखते हैं क्या होता है उस दीवार का। ओके देखो भाई अभी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी वो नीचे ही आ रही है। हाँ यहाँ पे शोर ला। ओके ये यहाँ पे पानी चाहिए उसको थोड़ा, तो यहाँ से उसको थोड़ा ऐसे अंदर घुसाना पड़ेगा। ऐसे इसको थोड़ा पानी चाहिए शायद बॉर्डर को, तभी वो मतलब बनती है वहाँ पे। ओके देखो, देखा भाई ये यहाँ पे हो गया काम, यहाँ तक तो हो गई है, मतलब ये फिलहाल हमारे पास इतनी लैंड है तो इतनी हो जाएगी, ये आगे नहीं और हो सकती। जब बाद में यहाँ की खरीद लेंगे ज़मीन, तो हम इसको ऐसे 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 ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज के साइड साइड से यहाँ उसको कनेक्ट कर दें, ये बाद में उसको देख लें, उसका कोई टेंशन। फिलहाल ये हो गया यहाँ पे, देखो दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। शायद ये रास्ता अभी हमें इसके हिसाब से बनाना पड़ेगा, ये दिखने में थोड़ा ऑड लग रहा है। ओके तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ की थोड़ी लैंड लेवल कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऐसा टेढ़ा वगैरह लग रहा है, तो इसकी सबसे थोड़ा कर देते हैं। अभी रास्ता है तो इतना होगा नहीं, ठीक है चलिए इतना हो सकता है हम करेंगे, उसको बाद में हम कर देंगे। ओके अभी कैसे लग रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा रास्ता बहुत ही ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, ठीक है चलो अभी तो कोई बात नहीं। अभी हम क्या करते हैं, ये हमें रोड मतलब यहाँ से हटाना पड़ेगा और इसके हिसाब से रोड बनाना पड़ेगा। और ये यहाँ की ज़मीन भी मतलब हम लेवल कर सकते, तो ये हमारे रोड के पूरे पैसे वेस्ट। चलो हमारे देश जैसे ही, हम भी ऐसे ही करते हैं, पहले रोड डालते हैं, फिर पता चलता है कि अरे पाइप डालना तो भूल गए, तो उसके लिए फिर से रोड हम खोद देते हैं। वैसा ही समझ लो हमने पहले रोड बना दिया, पूरा हम रोड ही मिटा रहे हैं, अब पूरा नया रोड ही हम बना रहे हैं, तो हमारे पास तो उससे ज़्यादा पैसा है, इसलिए हम डबल डबल कर सकते। चलो अभी हम इसके हिसाब से रोड बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे तो वो दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। या का रोड कैंसिल, ये पहला इंजीनियर था वो इतना होशियार नहीं था, इसलिए वो ना उसने ये ऐसा रोड बना। ये अभी वाला इंजीनियर नया आया, नई सरकार का इंजीनियर, तो उसने बोला नहीं ऐसा रोड चाहिए, तो कोई बात नहीं चलो नया रोड बना देते हैं, कोई
कोई टेंशन नहीं है हमको, क्या हमारा थोड़ी पैसे जा रहे हैं। ओके अभी तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो ये क्या करेंगे, इस साइड हम क्या करेंगे, ये इस साइड हम घर अलॉट वगैरह नहीं करेंगे, ये रोड छोड़ देंगे और यहाँ पे एक वॉकवे बनाएंगे जो लोगों को ऐसे शाम को चलने के लिए वगैरह ऐसे। और देखेंगे आगे क्या क्या यहाँ पे हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, यहाँ से व्यू अच्छा है। तो ये देखो फिर से बारिश शुरू हो गई। तो एक तो अच्छी बात है कि इतनी बारिश हो रही है फिर भी हमारे सिटी में कोई ऐसे पानी वगैरह का कोई इशू नहीं, मतलब पानी कहीं भर रहा है ऐसे नहीं। ओके तो अभी क्या है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल जोन कोई डिमांड आ रही। अरे यार इसको कोई आ ही नहीं रहे, मतलब रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल कुछ ज़्यादा अलर्ट कर दिया क्या मैंने? नहीं रेसिडेंशियल जोन तो है वैसे ही है। ओके अब क्या करें, लोग जा भी रहे यार, ये -10 -6, ये लोग सिटी छोड़ के क्यों जा रहे हैं यार, क्या कमी है हमारे सिटी में। ओके पहले ठीक है ये हम इंडस्ट्रियल जोन अलॉट कर देते हैं। ओके ये इतना हमने डेवलप अलॉट कर दिया। तो काम करते हैं, हमारे सिटी में कुछ गार्डन वगैरह नहीं है शायद इसलिए लोग अनहैप्पी है। तो हम एक कुछ गार्डन वगैरह कुछ, ये क्या है, नहीं ये अभी हमारा अनलॉक नहीं हुआ है शायद, ये यहाँ पे तो पेड़ है सिर्फ, ये पेड़ कहाँ पे लगाने हैं, यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो चल पेड़ नहीं, हमें पूरा गार्डन चाहिए, गार्डन कहाँ पे मिलेगा, ये कौन सी बिल्डिंग है, प्लाजा क्या है, लाइब्रेरी, यूनिक बिल्डिंग कुछ। ओके पहले हम क्या करते हैं, गार्डन वगैरह कुछ मिलता है। ओके ये देखो गार्डन, स्मॉल पार्क, पार्क विथ ट्रीज, लार्ज प्लेग्राउंड। ओके एक लार्ज प्लेग्राउंड बना, प्लेग्राउंड बना दें बच्चों को खेलने के लिए, तो इसी साइड बनाते हैं, तो ये यहाँ पे व्यू भी अच्छा है। ओके ये देखो लोग अभी सब हैप्पी हो गए। और एक ये क्या है, डॉग पार्क, डॉग पार्क भी बनाते हैं क्योंकि लोगों के पास तो कुत्ते वगैरह रहते हैं उनको घुमाने के लिए। तो अभी हम कहाँ पे लगाए, कहाँ पे लगाए, जहाँ पे लगा दे इन चार लोगों को घर चला जाएगा इसमें, चलो वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे। चलो डॉग पार्क बना दिया, और एक स्मॉल प्ले ग्राउंड है, और स्मॉल पार्क, एक स्मॉल पार्क बना दे। तो ये एक्चुअली क्या है यहाँ पे, ये क्या है, हाई स्कूल। ओके अरे अच्छी बात है, इसके साइड में ही लगा दे हाई स्कूल के, ये इन लोगों का घर चला जाएगा, कोई बात नहीं ठीक है, वो कहीं दूसरी जगह पे जाके बच जाएंगे, कोई इशू नहीं उसका। ओके तो ये क्या है, सिटी इंफॉर्मेशन, सिटी अट्रैक्टिवनेस हमारा अभी यहाँ पे दिखा रहा है 4%। ओके तो हमें अट्रैक्टिवनेस और बढ़ाना पड़ेगा, जोन बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके एवरेज जोन बिल्डिंग लेवल, ओके एवरेज लैंड वैल्यू 11 है 11 कुछ है वो उनका। ओके ये देखो हमारा अट्रैक्टिवनेस हमें बढ़ाना, और ये पॉलिसीज क्या है। ओके ये बहुत कुछ पढ़ना है, वो छोड़ दो मैं फिलहाल छोड़ दो। ओके ये देखो हमने ये ग्राउंड वगैरह कुछ बना दिया सब, तो थोड़ा सिटी का अट्रैक्टिवनेस हमारा 4% बढ़ा है, वो हमें और ऐसे ही बढ़ाना होगा। तो इसकी वजह से देखो अभी लोग हमारे यहाँ पे आ रहे, मतलब जो लोग जा रहे थे वो फिर से आ रहे, और हमारी इकोनॉमी भी बढ़ रहा है, 3000+ दिखा रहा है ये। इनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी दे दो भाई, और एक विंड मिल ओके यहाँ पे लगा देते हैं तो अच्छी भी लगेगी। ओके इनको इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पानी का कोई इशू है नहीं फिलहाल, तो कोई पानी वगैरह कोई इशू नहीं है हमारे सिटी में। तो सिटी हमारी पूरी तरीके से अच्छे से चल रही है, इनको भी इलेक्ट्रिसिटी कम पड़ रही है, चलो या और एक विंड मिल लगा देते फिलहाल।
यहाँ का अलॉटमेंट नहीं किया है या क्या हुआ, एक सेकंड देखते हैं। नहीं ओके, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस ही एक्स्ट्रा है, ओके तो फिर कोई बात नहीं, यहाँ पे लगा देते हैं। चलो इनका इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व है। ओके ये यहाँ पे आग लगी, अरे क्या फायर, हमने फायर बनाया था डिपार्टमेंट। ओके आ गई, ये देख 3 ट्रक आ गए और उन्होंने आग बुझा दी। अरे इसको हम गिरा देते हैं ताकि जल्द से जल्द दूसरी बन सके। ओके तो चलो अभी आगे क्या करते हैं, अभी क्या इंडस्ट्रियल जोन की डिमांड और बढ़ेगी। अरे इंडस्ट्रियल जोन बढ़ रहा है, कमर्शियल कमर्शियल का भी जोन बढ़ रहा है, ये रेजिडेंशियल की यूनिट डिमांड अभी बढ़ रही है। इंडस्ट्रियल जोन चलो ये अलॉट कर देते हैं सब। ओके ये इनको बिजली क्यों नहीं आ रही है, अरे इतने लगाए थे अभी भी कम पड़ रही, तो अभी कहाँ पे लगाए, चलो हाईवे के साइड में लगा देते। तो हाईवे के जो लोग यहाँ से गुजरेंगे उनको दिखने में अच्छा लगे, क्योंकि इनका क्या होता है, फायदा होता है इनका प्राइस कम रहता है और कहीं भी लगा लो आसपास का एरिया कवर हो जाता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी के ये जो खंभे हैं पावर लाइन, वो हमको लगाने नहीं पड़े। क्या होता है ये लगाने में थोड़ी दिक्कत ऐसी होती है कि ये जो, अगर दिक्कत ऐसी होती है कि ये हम बना रहे तो ऐसे वो रास्ता क्रॉस करते समय यहाँ की एक बिल्डिंग जाएगी, यहाँ की एक बिल्डिंग जाएगी, तो वो जगह थोड़े ले लेते हैं। इससे अच्छा है ये विंड मिल लगा दो। ओके बाय न्यू लैंड, ये बता रहे कि आप नई ज़मीन खरीद, पर ये ज़मीन पहले कितनी खाली है, इस यहाँ पे हमने अभी कुछ किया नहीं है, ये पूरी भरी नहीं है, और लैंड लेके क्या करें, सिर्फ फिर भी कहाँ की लेनी चाहिए, यहाँ 2 है यहाँ ले सकते हैं। चलो छोड़ो ये पहला पीस इतना कंप्लीट तो कर देते, क्या ज़रूरत है उसकी खाली पैसा खर्च करके। कि तब तक क्या करते हैं, ये यहाँ का हम क्लियर कर देते, ये जो ऐसी मिट्टी है ले, ये ऐसे दिखने में थोड़ी अच्छी नहीं लगती। ये देखो ऐसे अभी देखे से सिर्फ सिर्फ दीवार दिख रही है, वो थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसे लगता है एकदम परफेक्ट लेवल का काम किया है, ऐसे लगते हैं वो अगर बीच बीच में दीवार आ गई तो वो अच्छा नहीं। ये इसका क्यों नहीं नीचे जा रहा है, ये पानी इतना कम क्यों है, अभी इतनी बारिश हो गई, अभी तो रुकी है पर ये पानी बहुत ही कम रही है, सब पत्थर पत्थर ऊपर आ गया यार, ये दिखने में इतना अच्छा नहीं लगता है। ये यहाँ का व्यू देखो कितना अच्छा लगता है, यहाँ का ये सब पत्थर डिलीट कर रही, वहाँ ये पत्थर हटा दिया, ये पत्थर सब हटा देते हैं यहाँ से, कि यहाँ के जमीन का पीसे ये ऊपर आ गया शायद, इसको नीचे डालते हैं। चलो ये इसको नीचे डाल देते हैं, तो ये सब पानी पानी दिख, पत्थर सब हटा देते हैं यहाँ से। कैसे ऐसे जो शांत पानी जो बहता है वो ज़्यादा दिखने में अच्छा लगता है, ये ऐसे पत्थर पत्थर इतना अच्छा नहीं लगता। तो ये हम सब हटा देते हैं, इसको थोड़ा हम नीचे करें, यहाँ के तो नहीं कर सकते, ये हमारा एरिया नहीं, तो यहाँ का एरिया हम कर सकते हैं, यहाँ का एरिया हम नीचे करते थोड़ा, ऐसा थोड़ा गड्ढा बना देते हैं, तो यहाँ पे पानी ज़्यादा आएगा, दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। पहले अभी पानी भरने तक यहाँ पे थोड़ा एरिया चेंज हो गया तो थोड़ा ऐसा अच्छा नहीं दिखेगा, पर बाद में जब वो पानी मतलब लेवल हो जाएगा तो वो दिखने में अच्छा लगेगा। ओके तो चलो ठीक है, ये देखो अभी कैसे लग रहा है, थोड़ा बहुत तो अच्छा लग रहा है, जो पहले ऐसे सब यहाँ पे दगड़ दगड़ पत्थर दिख रहे थे सॉरी।
तो चलो अभी आगे क्या करना है, यहाँ पे देखो ये इमारत, अरे ये दूसरी बन गई क्या? यहाँ पे तो बिल्डिंग दूसरी थी पहले, वो जो मैंने पिछली बार दिखाया था, तो ये अब दूसरी बन गई। कोई बात नहीं, वो शायद गिर गई होगी या कुछ हो गया उसका। तो ये देखो अभी कैसा सिटी का व्यू दिख रहा है हमारा, ये कोई क्या आ गया? चल चल चल, चलो यहाँ से तो ये देखो यहाँ से भी कितना व्यू अच्छा दिख रहा है। तो अभी आगे क्या बनाते हैं? तो चलिए आज के लिए शायद इतना ही बस करते हैं, और क्या कर सकते हैं आज, आज तो बस इतना बस हो गया। सिटी में ऐसे थोड़ी थोड़ी, क्योंकि कैसे देखो थोड़ी थोड़ी एक्चुअली सिटी भी थोड़ी थोड़ी ही मतलब बढ़ती, एक दिन में या एक साल में ऐसा कुछ सिटी सब डेवलप नहीं हो जाती, आहिस्ता आहिस्ता ही सिटी सब बढ़ती है। तो ये गेम हमको अगर ज़्यादा से ज़्यादा रियल बनाना होगा तो हमको भी इस तरह से हमको धीरे धीरे सिटी को डेवलप करना पड़ेगा, तो वो एक्चुअली ज़्यादा उसमें मज़ा आएगा। मतलब ऐसा फील आएगा कि हम रियल सिटी ही बना रहे हैं मतलब। तो इसके हिसाब से तो आज के लिए बस इतना ही हो काफ़ी होगा। तो अगले एपिसोड में हम क्या करेंगे, अगले एपिसोड में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे सोचते हैं कि अगले एपिसोड में क्या करेंगे। चलो कुछ इंटरेस्टिंग बना ही लेते हैं अगले एपिसोड में, वे बाद में सोच के रखूँगा और आपको नेक्स्ट एपिसोड में आपको बता दूँगा कि क्या करना है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड अच्छे लग रहे हैं और आपके कोई सुझाव हो तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ऐसे एक अच्छा गेम का लाभ उठा सके। ओके, तो चलो बाय बाय दोस्तों।